वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट को कैसे देखना है, इसको हीमोग्राम रिपोर्ट भी कहते हैं। तो उससे पहले हम कुछ टर्म्स को जान लेते हैं। तो उसमें अगर आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल कम होते हैं तो उसको बोलते हैं एनीमिया, अगर आरबीसी बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया, अगर डब्ल्यूबीसी कम होते हैं तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया, अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, अगर प्लेटलेट्स कम होते हैं तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और अगर प्लेटलेट्स बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। यानी यहाँ पर सेल बढ़ते हैं तो उसमें साइटोसिस सफिक्स लगता है और कम होते हैं तो उसमें पेनिया सफिक्स लगता है। हीमोग्राम की रिपोर्ट बहुत सारे डिसीज में करवाई जाती है, उनकी जांच के लिए, फॉलोअप के लिए या फिर प्रोग्नोसिस के लिए। तो पहले यहाँ पर रिपोर्ट में पहला पैरामीटर्स है हीमोग्लोबिन। तो नॉर्मली मेल में वो होता है 12 से 18 के बीच ग्राम परसेंटेज में, और फीमेल में होता है 11 से 16 के बीच। यहाँ पर पेशेंट का 13.4 है तो ये नॉर्मल है। तो यहाँ पर किन कंडीशन में हीमोग्लोबिन की वैल्यूज कम होगी, तो उसमें है एनीमिया हो सकता है, फ्रिक्वेंटली अगर आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है, हैवी ब्लीडिंग हुआ है तो उसमें हो सकता है, सर्जरी के बाद भी यहाँ पर हीमोग्लोबिन कम आ सकता है, कैंसर में भी और आर्थराइटिस और अल्सर में भी यहाँ पर हीमोग्लोबिन कम आ सकता है। और किन कंडीशन में यहाँ पर हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ मिल सकता है, तो उसमें अगर आपकी बॉडी ज्यादा रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन करती है यानी पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन है तो उसमें आपका ब्लड थीकर होगा और उसके कारण आपको क्लॉटिंग या फिर हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक की प्रॉब्लम रह सकती है। दूसरा पैरामीटर यहाँ पर है व्हाइट ब्लड सेल काउंट। तो व्हाइट ब्लड सेल काउंट यहाँ पर टोटल व्हाइट ब्लड सेल काउंट है, ये सभी है डिफरेंशियल काउंट, ये सभी व्हाइट ब्लड सेल के टाइप्स है। ओके, सो यहाँ पर टोटल व्हाइट ब्लड सेल काउंट की नॉर्मल वैल्यूज होती है 4000 से 11000 क्यूबिक मिलीमीटर के बीच में, और यहाँ पर पेशेंट का 14800 है। तो यहाँ पर पेशेंट को इन्फेक्शन लगा है, ब्रोंकियेक्टेसिस है, इसीलिए यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल बढ़ा हुआ मिला है। यानी किसी भी इंफेक्शन में और किसी भी इंफ्लामेटरी कंडीशन में यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल बढ़ा हुआ मिलेगा। तीसरा पैरामीटर यहाँ पर देखें तो प्लेटलेट्स काउंट है। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, सो उनकी नॉर्मल वैल्यूज होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख क्यूबिक मिलीमीटर के बीच में, यहाँ पर पेशेंट के 4,24,000 है तो ये नॉर्मल है। ओके, सो किन कंडीशन में प्लेटलेट्स बढ़े हुए मिल सकते हैं, तो उसमें है कैंसर की कंडीशन, स्पेशली लंग्स कैंसर हो या फिर जीआईटी कैंसर हो या फिर ब्रेस्ट कैंसर और लिम्फोमा में यहाँ पर प्लेटलेट में बढ़ा हुआ मिल सकता है। और भी है जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लपस में और हिमेटोलाइटिक एनीमिया में भी प्लेटलेट बढ़ा हुआ मिल सकता है। किन कंडीशन में प्लेटलेट्स कम हो गए, तो उसमें है एप्लास्टिक एनीमिया जिसमें बोन मैरो है वो न्यू आरबीसी को प्रोडक्शन करना ही बंद कर देगा, और विटामिन B12, फॉलेट और आयरन डेफिशिएंसी में यहाँ पे प्लेटलेट कम मिल सकता है, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि HIV है, चिकन पॉक्स में है तो इन सभी में भी प्लेटलेट कम मिल सकते हैं, या फिर कीमोथेरापी है, रेडिएशन थेरापी है, इन सभी में भी प्लेटलेट्स काउंट कम मिल सकते हैं। आगे का पैरामीटर्स है डिफ्रेंशिएट काउंट। तो उसमें पहला है पॉलीमॉर्फ। पॉलीमॉर्फ यानी न्यूट्रोफिल्स, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन लगेगा तो ये पहले इफेक्ट हो गए। तो उसमें अगर न्यूट्रोफिल्स कम होते तो आगे की टर्म्स के अकॉर्डिंग ही न्यूट्रोपेनिया कहेंगे उसको, और बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया या फिर न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस या फिर न्यूट्रोसाइटोसिस। ओके, सो यहाँ पर अगर न्यूट्रोपेनिया होता है यानी न्यूट्रोफिल्स कम हो गए तो वो हो गए विटामिन B12 की और फोलेट की डेफिशिएंसी में, एप्लास्टिक एनीमिया में भी, मेडिकेशंस में कभी कभार ड्रग इंड्यूस न्यूट्रोफिल्स कम होते हैं तो उसमें है क्लोजापिन, डेप्सोन, पेनिसिलिन जी, सल्फासेलेजिन और कार्बिमेजोल, तो ऐसी ड्रग्स के कारण भी न्यूट्रोफिल्स कम हो सकते हैं। अगर न्यूट्रोसाइटोसिस यानी न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं तो किन कंडीशन में बढ़ते हैं, तो ये एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ते हैं, स्ट्रेस भी बहुत ही अफेक्ट करता है, स्ट्रेस में भी बढ़ सकते हैं, बर्न्स में स्टीरॉइड लेते हैं तो उसमें भी न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं, ल्यूकेमिया यानी जो ब्लड कैंसर है जिसमें WBC बढ़ते हैं तो उसमें भी पॉलीमॉर्फ न्यूट्रोसाइटोसिस होता है। ओके,
आरए यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी न्यूट्रोफिल्स बढ़ सकते हैं। ओके, उसकी नॉर्मल रेंज है 60 to 70% और यहाँ पर पेशेंट का 89% है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं WBC में लिखा है न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस, यानी यहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है कि WBC बढ़े हुए हैं। कौन से है? तो न्यूट्रोफिलिक यानी न्यूट्रोसाइटोसिस है, पेशेंट को इन्फेक्शन है, पेशेंट को ब्रोंकियेक्टिसिस का इन्फेक्शन है, इसीलिए यहाँ पे न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस इन्फेक्शन हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस यानी न्यूट्रोफिल्स बढ़े हैं। आगे है लिम्फोसाइट्स, ये इम्यून सेल है जो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और ब्लड और लिम्फ में पाए जाते हैं। तो अगर इसकी लिम्फोसाइट्स बढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं लिम्फोसाइटोसिस, अगर लिम्फोसाइट्स कम हो गए तो उसको बोलते हैं लिम्फोसाइटोपेनिया। तो किन कंडीशन में ये बढ़ सकते हैं? तो इन्फेक्शन है या फिर इंफ्लामेटरी कंडीशन है तो इसमें बढ़ेंगे, ल्यूकेमिया जैसी सीरियस जो ब्लड कैंसर है ल्यूकेमिया उसमें भी बढ़ सकते हैं। किन कंडीशन में ये कम हो गए? उसमें एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी एंड सिंड्रोम यानी एड्स में भी कम हो गए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज करते हैं तो उसमें भी लिम्फोसाइट्स कम हो गए, एडवांस्ड स्टेज ऑफ द कार्सिनोमा यानी कैंसर है, नियोप्लाजिया है तो उसमें भी कम हो गए, देन रेडिएशन या फिर कीमोथेरापी में भी यहाँ पर ये कम हो सकते हैं। आगे का WBC का टाइप है इओसिनोफिल्स, तो किन कंडीशन में ये बढ़ा हुआ मिलेगा? तो उसमें है एलर्जिक रिएक्शंस, अस्थमा, हे फीवर, पैरासाइट्स, कैंसर, कभी कभार ये ड्रग इंड्यूस भी बढ़े हुए मिल सकते हैं, और ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसे कैंसर में भी यहाँ पे इओसिनोफिल्स बढ़ा हुआ मिल सकता है। और किन कंडीशन में इओसिनोफिल्स कम हो गए? तो उसमें ये ज्यादातर क्लिनिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी उसको कंपेंसेट कर लेती है। इओसिनोपेनिया यानी इओसिनोफिल्स कम होते हैं तो उसमें है सेप्सिस या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में यहाँ पे इओसिनोफिल्स कम मिल सकते हैं। आगे का WBC का टाइप है मोनोसाइट्स, तो किन कंडीशन में मोनोसाइट्स बढ़े हुए मिलेंगे यानी मोनोसाइटोसिस होगा? तो उसमें है टीबी, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डियाटिस, मलेरिया हो सकता है, काला आजार में हो सकता है, हॉकिंस डिसीज जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम में कैंसर हो तो उसको बोलते हैं हॉकिंस डिसीज, और उसको बोलते हैं हॉकिंस लिम्फोमा, ल्यूकेमिया जैसे ब्लड कैंसर में, कार्सिनोमा में, सिस्टेमेटिक लपस इरिथेमेटोसस में भी मिल सकते हैं, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी यहाँ पे मोनोसाइटोसिस यानी मोनोसाइट्स बढ़े हुए मिल सकते हैं। किन कंडीशन में मोनोसाइट्स कम हो गए? तो ये उतना क्लिनिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे का WBC का टाइप है बेसोफिल्स, तो उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0 से 3 के बीच में, परसेंटेज 0 से 3 के बीच में। ओके, सो किन कंडीशन में ये बड़े हुए मिल सकते हैं? तो इन्फेक्शन लगा है या फिर एलर्जिक रिएक्शन है या फिर हार्मोनल इम्बेलेंस जिसमें स्पेशली थायराइड रिलेटेड है तो यहाँ पे बेसोफिल्स बड़े हुए मिल सकते हैं। किन कंडीशन में यहाँ पे बेसोफिल्स कम मिलेंगे? तो उसमें हाइपर सेंसिटिविटी है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे स्टीरॉयड ले रहे हैं तो उसमें भी बेसोफिल्स कम मिल सकते हैं। ओके, यहाँ पर आगे का पैरामीटर्स है आरबीसी काउंट, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है मेल में 4.4 to 5.9 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर और फीमेल में होती है 3.8 to 5.2 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर। यहाँ पर पेशेंट का 5.75 है तो ये नॉर्मल है। ओके, सो किन कंडीशन में आरबीसी बढ़े हुए मिल सकते हैं? तो उसमें है पॉलीसाइथेमिया वेरा, ये कैंसर है जिसमें क्या होता है, जैसे ल्यूकेमिया में WBC बढ़ जाते हैं तो वैसे ही पॉलीसाइथेमिया वेरा में आरबीसी बढ़ जाते हैं, आरबीसी काउंट्स बढ़ जाते हैं। दूसरी कंडीशन है डिहाइड्रेशन में, यहाँ पे आरबीसी काउंट बढ़े हुए मिल सकते हैं, पल्मोनरी डिसीज है तो उसमें भी आरबीसी काउंट बढ़े हुए मिल सकते हैं, किडनी डिसीज है या फिर ट्यूमर जो इरिथ्रोपोएटिन को सिक्रिट करता हो, जो ट्यूमर हो वो इरिथ्रोपोएटिन को जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसको सिक्रिट करता हो तो उसके कारण भी बोन मैरो ज्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करता है तो उसमें भी आरबीसी काउंट बढ़े हुए मिल सकते हैं, देन स्मोकिंग के कारण या फिर जेनेटिकली कॉज हो सकता है। अब किस कंडीशन में आरबीसी काउंट कम होते हैं? तो उसमें है एनीमिया, एक्यूट और क्रोनिक ब्लीडिंग है तो उसमें भी आरबीसी काउंट कम होते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जिसमें आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फॉलेट डेफिशिएंसी, आरबीसी बोन मैरो में से प्रोड्यूस होते हैं तो इसलिए अगर बोन मैरो में कोई डिफेक्ट है यानी बोन मैरो डिजीज है तो आरबीसी काउंट कम मिलेंगे।
आगे एक क्रोनिक इंफ्लामेटरी कंडीशन है तो उसमें भी आरबीसी काउंट कम मिल सकते हैं, और किडनी फेलर में भी आरबीसी काउंट कम मिल सकते हैं। ओके, आगे का पैरामीटर्स है पैक सेल वॉल्यूम पीसीवी, जिसको हिमेटोक्रिट भी कहते हैं। अब हिमेटोक्रिट क्या है या फिर पैक सेल वॉल्यूम क्या है, उसके लिए हमें ये समझना होगा कि हमारे ब्लड में दो प्रकार के घटक भाग होते हैं। एक होता है प्लाज्मा जो 55% होता है, दूसरे होते हैं सेल्स जो 45% होते हैं। जब टेस्ट ट्यूब में ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तब ऊपर के भाग में जो मिलता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा जो 55% होता है, और नीचे के भाग में जो मिलता है उसको बोलते हैं हिमेटोक्रिट या फिर पैक सेल वॉल्यूम, यानी जो 45% होते हैं। ओके, और बीच में बफी लेयर बनता है, बफी कोट लेयर बनता है, उसमें होते हैं WBC और प्लेटलेट्स। तो पैक सेल वॉल्यूम और हिमेटोक्रिट ये ब्लड वॉल्यूम में आरबीसी का प्रमाण कितना है ये इंडिकेट करता है। ओके, सो किन कंडीशन में ये हाई, यानी सो किन कंडीशन में ये बढ़े हुए मिल देंगे, यानी पैक सेल वॉल्यूम या फिर हाई एचसीडी हिमेटोक्रिट मिलेंगे, तो उसमें है डेंगू शॉक सिंड्रोम में मिल सकते हैं, पॉलीसाइथेमिया वेरा में मिल सकते हैं, सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में मिल सकते हैं, इरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन, एथलेट्स और साइक्लिस्ट जो इरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन लेते हैं तो उसमें भी पैक सेल वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ी हुई मिल सकती है। डिहाइड्रेशन में भी यहाँ पे पैक सेल वॉल्यूम बढ़े हुए मिल सकते हैं। दूसरा है कैपिलरी लीक सिंड्रोम है, उसमें भी यहाँ पे पीसीवी बढ़े हुए मिल सकते हैं। स्लीप एपनिया है, उसमें भी यहाँ पे पीसीवी बढ़े हुए मिल सकते हैं, और एनाबॉलिक स्टीरॉयड जो स्टीरॉयड का यूज करते हैं उसमें भी यहाँ पे पैक सेल वॉल्यूम बढ़े हुए मिल सकते हैं। सो नॉर्मल उसकी रेंज है मेल में 39 to 53% और फीमेल में 35 to 47%। सो यहाँ पर पेशेंट का ये नॉर्मल है। एक और बात, यहाँ पे पीसीवी कम किस में मिल सकते हैं, यानी लो एचसीटी किस में मिल सकता है, तो ये एनीमिया में यहाँ पर पीसीवी कम मिल सकते हैं। आगे का पैरामीटर्स है यहाँ पे एमसीवी, जिसका मतलब है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम और मीन सेल वॉल्यूम। एमसीवी हमें आरबीसी की एवरेज साइज को दिखाता है। ओके, एमसीवी की नॉर्मल वैल्यू है 80 to 98 फेम्टोलीटर, यहाँ पर पेशेंट की 78.6 फेम्टोलीटर है। सो ये नॉर्मल है। ओके, सो किन कंडीशन में यहाँ पे एमसीवी की वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी, तो उसमें है मैक्रोसिस्टिक एनीमिया, यानी जो आरबीसी है उनकी साइज बड़ी है। दूसरा है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, बोन मैरो फेलर, देन एप्लास्टिक एनीमिया। तो यहाँ पर किन कंडीशन में एमसीवी कम मिलेगा, तो उसमें है माइक्रोसिस्टिक एनीमिया, जहाँ पर आरबीसी के जो सेल है उनकी साइज कम होगी। दूसरा है थैलेसेमिया में, आयरन डेफिशिएंसी में, लेड पॉइजनिंग में, क्रोनिक डिजीज है कोई तो उसके कारण भी आपको यहाँ पर एमसीवी की वैल्यू कम मिलेगी। आगे का पैरामीटर है एमसीएच, जिसका मतलब होता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। एवरेज हीमोग्लोबिन का अमाउंट एक आरबीसी में कितना है ये इंडिकेट करता है। यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू है 26 to 32 पिकोग्राम। ओके, और पेशेंट का यहाँ पर 23 to 3 पिकोग्राम है, तो यहाँ पर ये पेशेंट का नॉर्मल है। यहाँ पर एमसीएच की वैल्यू किन कंडीशन में कम मिलेगी, तो उसमें है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी में, हीमोलाइटिक एनीमिया में, अल्कोहल पीता है पेशेंट तो उसमें भी, रेटिकुलोसाइट यानी जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल है यानी जो आरबीसी फुल्ली डेवलपमेंट नहीं है उनको बोलते हैं रेटिकुलोसाइट्स में, तो इन सभी कंडीशन में एमसीएच यहाँ पे कम मिलेगा। और किन कंडीशन में एमसीएच बढ़ा हुआ मिलेगा, तो उसमें है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसेमिया, एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिसीज, किसी रोग के कारण एनीमिया होना, तो उसमें भी एमसीएच बढ़ा हुआ मिलेगा। आगे यहाँ पर लिखा है एमसीएचसी, जिसका मतलब होता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। एमसीएचसी का मतलब है कि हमारे आरबीसी, एवरेज आरबीसी की जो साइज है उसके प्रमाण में उसमें कितना हीमोग्लोबिन है, तो उस इसको एमसीएचसी कहते हैं। नॉर्मल एमसीएचसी की वैल्यू होती है 32 to 36 ग्राम प्रति डेसिलीटर। ओके, यहाँ पर पेशेंट की 29.6 है और ये नॉर्मल है। एमसीएचसी की वैल्यू बढ़ी है या फिर घटी है ये हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक को इंडिकेट करता है।
हाइपोक्रोमिक का मतलब होता है हाइपो यानी कम और क्रोमिक यानी कलर। अगर कम एमसीएचसी कम है तो वो हाइपोक्रोमिक इंडिकेट करता है, यानी जो आरबीसी का कलर है वो कम मिलता है, और अगर बड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक। ओके, आगे का पैरामीटर्स है आरडीडब्ल्यू, जिसका मतलब होता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। ये आरबीसी की साइज और उसके सेल वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। तो अब आप पूछोगे कि आरडीडब्ल्यू और एमसीवी में क्या डिफरेंस है। एमसीवी है वो आरबीसी की एवरेज साइज को इंडिकेट करता है, और आरडीडब्ल्यू है वो आरबीसी की वेरियस साइज को इंडिकेट करता है, यानी एक छोटा है एक बड़ा है उसको। और एमसीवी सभी सेल की कॉमन जो एवरेज है आरबीसी की साइज वो इंडिकेट करता है। ओके, इसकी नॉर्मल वैल्यू है 11 से 14.5%, यहाँ पर 14.2% है, ये नॉर्मल है। ओके, और किन कंडीशन में यहाँ पे आरडीडब्ल्यू बड़ा हुआ मिल सकता है, तो उसमें है मैक्रोसिस्टिक एनीमिया, यानी जो आरबीसी है उनकी साइज बड़े हुए हो वैसा एनीमिया। देन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, विटामिन बी12 डेफिशिएंसी, फॉलेट और आयरन डेफिशिएंसी में भी यहाँ पे आरडीडब्ल्यू बढ़ा हुआ मिल सकता है। और किन कंडीशन में यहाँ पर आरडीडब्ल्यू कम मिलेगा, तो उसमें है माइक्रोसिस्टिक एनीमिया, यानी जहाँ पे आरबीसी की साइज कम है वैसा एनीमिया में आरडीडब्ल्यू की वैल्यू कम मिलेगी। ओके, यहाँ पर रिपोर्ट का कंक्लूजन लिखा है स्मैर स्टडी, जिसमें आरबीसी के सामने लिखा है नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिस्टिक। नॉर्मोक्रोमिक यानी जो आरबीसी का कलर है वो नॉर्मल है, और नॉर्मोसिस्टिक यानी जो आरबीसी की साइज है वो नॉर्मल है। ओके, दूसरा यहाँ पे लिखा है डब्ल्यूबीसी के सामने न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस, यानी यहाँ पे पॉलीमॉर्फ यानी न्यूट्रोफिल्स है वो बड़े हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब आगे की तरह डब्ल्यूबीसी बड़े हैं तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ओके, और यहाँ पर पेशेंट को ब्रोंकेक्टेसिस यानी इन्फेक्शन हुआ है। आगे यहाँ पर लिखा है प्लेटलेट, तो यहाँ पे एडिक्यूएट है और नॉर्मल है, प्लेटलेट की जो काउंट है प्लेटलेट काउंट वो नॉर्मल है। ओके, देन यहाँ पे लिखा है पैरासाइट, तो उसमें मलेरिया पैरासाइट नॉट सीन, यहाँ पर पैरासाइट डिटेक्ट नहीं हुआ है।